आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम चर्चा। आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जनता के बीच जाकर वोट बैंक साधने की कोशिश शुरू कर दी है और जनता को अपनी नीतियों और योजनाओं के बारे में भी बताना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जितेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक, जुड़ चुके हैं फरुखाबाद से, जो आगामी चुनाव में बीजेपी की तैयारियों और अपने विकास कार्यों का ब्यौरा देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं। इससे पूर्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों में भी भागीदारी कर चुके हैं, साथ ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग भी लेते हैं। राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए चलाए गए निधि समर्पण अभियान में भी जनपद से सबसे अधिक 5 लाख रुपए का सहयोग भी निधि में किया था। कोरोना काल में भी समाज हित में बेहतरीन कार्य किए हैं, साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष में भी 1 लाख का सहयोग दिया है, यानी कि जनता के हित में योगदान देते रहते हैं, साथ ही अपनी पार्टी को जिताने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, सरकार की नीतियों को बता रहे हैं। वहीं पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श मानते हुए भारतीय जनता पार्टी जनपद में हर जगह से भारी मतों से विजयी हो, इसी दृढ़ संकल्प के लिए जनपद में भाजपा के मुख्य सिप सलाहकार के रूप में कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, तो जनता के हित में लगातार काम करते हुए नजर आते हैं। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम सवालों के जवाब देंगे कि आखिर कौन कौन से विकास कार्य इनके जिले में किए जा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके भारतीय जनता पार्टी से जितेंद्र सिंह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जितेंद्र जी। तो जिस तरह से पार्टी के लिए काम किए जा रहे हैं, जनता के लिए काम किए जा रहे हैं, आप जो इतने सहयोग देते हैं, सबसे पहले हम इसी बारे में जानना चाहेंगे कि राम मंदिर में जो आपने सहयोग किया है, जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दें। जी, राम मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिससे राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। जी, भारत की पहचान विश्व में राम मंदिर से हो, न कि पूर्व में आए हुए आतताइयों उनके द्वारा हो। हमारा मानना यह है कि भगवान राम का जब भव्य मंदिर बनेगा, जिसके हम लोग पूरा हमारे पूर्वज भगवान राम है, तो उनके मंदिर बनने से हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको याद रखेंगे। विश्व में हर जगह हमारी एक पहचान होगी, हर जगह हमारा ये होगा कि भगवान राम होगा, कि भगवान राम विश्व में लगभग काफी देशों में, मुगल देशों में भी भगवान राम के जो है रामचरितमानस का वो किया जाता है। और भगवान राम के आदर्श पे चलने के लिए हर व्यक्ति लालायित है। प्रभु राम एक ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन काल में जब कितना बड़ा त्याग था, कितना बड़ा बलिदान था, उसका एक उदाहरण भगवान राम है। जिस भगवान राम का राज तिलक की तैयारी हो रही थी, अगले ही समय जब माता कौशल्या कैकेयी ने उनको कहा आपने कि 2 वचन भगवान दशरथ जी उनके पिताजी से मांगे, तो उन्होंने उसमें दोनों वचन में, एक में राम को वनवास, दूसरे में भरत को राजगद्दी दी। एक उनके त्याग का बलिदान का भी देखिए कि ना जब वो राजा बन रहे थे तो खुश थे, और ना ही उनको जब वनवास दिया गया तो दुखी थे। जी। वो वहां से अपने माँ बाप की आज्ञा मानते हुए तुरंत वहां से जो है वनवास के लिए चल दिए। और इस सबको आदर्श जब निकले वहां से वनवास में, तो किसी प्रकार की सेना, किसी प्रकार का सहयोग ना लेके गरीब लोगों को, गरीब जनता के साथ जिस तरह से वीर बानरों के साथ लेके उन्होंने, भगवान राम ने पहले जाके जब राजा राजकुमार थे, जब वहां जाके पहुंचे हैं लंका में विजय किए, तब भगवान राम हुए। रास्ते में वो किसी भी राजा से सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा राज परिवार जो है दशरथ जी का था। तो भगवान राम की नीति उसके बाद भी काम कर रही है जितेंद्र जी। जी, भगवान राम की ही नीति पर बीजेपी काम कर रही है। हाँ, भगवान राम की नीतियों पर काम कर रही है। और बीजेपी का मानना है कि राम राज्य की स्थापना के बाद ही सभी का विकास संभव हो सकता है, क्योंकि राम राज्य की स्थापना की कल्पना विश्व का हर देश चाहता है कि राम राज्य हमारे देश में हो, और उसकी शुरुआत भाजपा ने की है, और भाजपा ने उसी के आधार पे हमारे जो गरीब किसान हैं, गरीब मजदूर हैं, उन सब के लिए काम कर रही है। जी, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये आरोप लगाता है कि सिर्फ धर्म विशेष के लिए ही काम किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, आप कह रहे सभी के विकास के लिए काम किया जा रहा है। नहीं नहीं जी, यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप ये देखिएगा कि इस कोरोना काल में
किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया गया, वैक्सीनेशन हुआ है, तो आज की तारीख में विश्व में इस 130 करोड़ लोगों में लगभग सबको वैक्सीन लगाएगी, तो उसमें सभी जातियों के हैं, सभी धर्म के लोग हैं। पक्षपात तो भारतीय जनता पार्टी करने का नाम ही नहीं लेती है। इसी तरह से गरीबों को आवास दिए गए, उसमें सबसे ज्यादा जो आवास का है जो परसेंटेज है, अगर आप देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से जो समाज ये कह रहा है कि जातिवाद के लिए कर रहे हैं, उसमें उस समाज के लोगों को, उस धर्म के लोगों को भी उनको आवास मिले हैं। और इसके अलावा राशन की वितरण देखिए तो राशन वितरण में सबसे लंबी लाइन अगर होती है तो उन्हीं लोगों की, उस समाज की होती है। तो भाजपा का किसी भी जात विशेष के लिए काम नहीं, किसी धर्म विशेष के लिए काम नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर काम करती है। जी, जिस तरह से अलग अलग जिलों में विजय संकल्प यात्रा जा रही है, अब 29 तारीख को सीएम आ रहे, विजय संकल्प यात्रा आ रही है, तो इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं? विजय संकल्प यात्रा एक इस तरह की यात्रा है, अगर हम विजय संकल्प यात्रा के द्वारा लोगों को ये नहीं बताएंगे कि हमारी योजनाएं क्या है, जिससे हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना में 41 करोड़ खाते खोले गए, तो उसमें उन लोगों के खाते में, गरीब के खाते में सीधे सीधे पैसा जा रहा है। अगर हम गरीब के खाते में बीच के बिचौलिए खत्म हो गए, दलाल खत्म हो गए, तो जो इस तरह के लोग जो दलाली करते थे, बिचौलिए थे, उनको तकलीफ हो सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हुआ, महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, आप ये देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है कि रात को 12 बजे भी महिलाएं अगर कहीं सड़क पर निकल जाती हैं तो वो सुरक्षित है। यही हमारे मोदी जी का, यही हमारे योगी जी का संकल्प था कि रात में महिलाएं जाएं तो किसी प्रकार को उनको ये ना हो कि किसी आदमी ने छेड़ दिया। इसके पूर्व जब महिलाएं रात में थी तो सुरक्षित, 8 बजे के बाद लोग कहते थे यहां से न निकलो, कई रास्ते ऐसे थे जो हम लोग भी निकलते थे रात में, सोचते थे कि रात में यार मत चलो, नहीं तो ऐसा ना हो कहीं रास्ते में हमको लूट लिया जाए, हमको परेशान किया जाए। आज हम किसी भी समय किसी भी उत्तर प्रदेश में किसी कोने में चले जाए, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो हमें आपको छेड़े, और महिला भी सुरक्षित है। इस तरह का काम जो भाजपा ने किया है शायद आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। जी जितेंद्र जी, 5 सालों में कितना विकास हुआ है फरुखाबाद का, और जिस तरह से पहले की सरकार में फरुखाबाद था उसकी तस्वीर कितनी बदल चुकी है? तस्वीर का सबसे ज्यादा जो विकास अभी फरुखाबाद में है, तो हर जिले में बिजली की बराबर समान बिजली मिलती है। बिजली व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था को पूर्व की सरकारों ने कुछ जिले तक सीमित कर रखा था। जी। जैसे आपके 5-6 जिले जो उनके जिले थे, मात्र उन जिलों तक ही बिजली आती थी, बाकी लोगों को 2-4 घंटे बिजली थी। आज सब किसान संपन्न है, हर गांव में बिजली मिल रही है, किसी भी जगह 16 घंटे 18 घंटे 24 घंटे तक बिजली मिल रही है, और किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है, हर एक व्यक्ति को बिजली बराबर मिले, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले को बराबर व्यवस्था मिल रही है। जी, अपनी पार्टी को जिताने के लिए आप क्या कुछ योगदान कर रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे, कि जनता के विकास के लिए, जनता को आगे बढ़ाने के लिए आपके क्या योगदान रहे हैं? हमारी तरफ से रहता है कि पहले तो हम जो गरीब लोग हैं उन तक जाएं, उनको अपनी योजनाएं बताएं, उनको अगर किसी प्रकार का, जैसे हमारे आप समझिए वैक्सीनेशन के बारे में हम लोगों ने पहले जागरूक किया। वैक्सीनेशन के अलावा जैसे आप ये देखिए एक उपलब्धि बहुत बड़ी है कि ऑक्सीजन प्लांट हमारे जिले में 5 से 10 प्लांट हर जिले में लग गए हैं, 3 प्लांट फरुखाबाद में भी लग चुके हैं ऑक्सीजन। तो भविष्य में कभी कोरोना या महामारी ना आए ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आता है तो हमारी सरकार की पूरी तैयारी है कि किसी प्रकार से कोरोना की जितनी कम से कम मौतें हैं वो हो, किसी प्रकार से हमारा जो गरीब आदमी है उसको ये समस्या ना आए। तो वो सारे योजनाएं जो भारत सरकार की हैं वो हम अपने जनता तक बताते हैं, जब हम जनता को बताएंगे उसके बारे में जागरूक करेंगे तभी जनता उसमें जान के उसका लाभ मिल पाएगा। और किसी को अगर कोई लाभ नहीं मिलता है तो उसके लिए हम पूरा सहयोग करके उसके जो राशन कार्ड और ये सब सुविधाओं उपलब्ध कराते हैं। जी जितेंद्र जी, आपके जिले में स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम कर रहा है, कितने अस्पताल बने 5 साल में और कितने स्कूल खुले हैं? स्कूलों के बारे में तो ये है कि जो हमारे स्कूल है उनका आधुनिकीकरण हुआ है। पहले स्कूलों में जब आप जाएं तो उन स्कूलों में कभी छप्पर है तो कभी कुछ नहीं, टूटे फूटे स्कूल थे, तो सारे स्कूल बना देने से ही कुछ नहीं होता है, स्कूल जो बनाने थे उनको आधुनिक किया गया। अगर आप स्कूलों में आज जाए तो उसमें दूर से पहचान में आ जाता है कि आज ये स्कूल है, इस तरह से उससे स्लोगन लिखे गए हैं, उनको ट्रेंड किया जा रहा है बच्चों के लिए, मतलब ये प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो, ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो। और शिक्षा में जो इसके पूर्व में कुछ कमियां थी उसमें पूरी तरह सुधार किया गया है, और आज की तारीख में प्राइमरी स्कूल जो है उनका अगर स्तर आप देखें तो सरकार का प्रयास है कि प्राइमरी स्कूल भी
अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सके, उसके लिए टीचरों को और हमारे जो सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं से उनको वो समझाया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं आने वाली पीढ़ियां, हमारा भविष्य तो बच्चे ही हैं, जब हमारे बच्चे अच्छे नहीं होंगे तो हम आगे क्या अच्छे होंगे। तो इस तरह से शिक्षा के मामले में बहुत काम हुआ। जहां तक आप बात करते हैं हम लोग कि आपका क्या नाम, इन योजनाओं में ऑक्सीजन प्लांट का आपने आपको बता ही दिया है, उसके अलावा ऑक्सीजन के बिजली व्यवस्था सही हो गई है, ये सारी चीजें यहाँ पे सही हो गई। कोरोना काल में हमारे यहाँ फरुखाबाद की स्थिति ये, लगभग 70-80% लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है। जी, अगर अस्पतालों की बात करें तो अक्सर ऐसी खबरें आती रहती है कि फर्जी अस्पताल चल रहे, झोला छाप डॉक्टर हैं, तो इनपे कैसे शिकंजा कसा जाएगा? इनपे अभी जल्दी में ही करीब 5-7 अस्पताल ऐसे थे जो फर्जी थे, इस तरह के थे, उनको बंद किया गया, उनको बंद करने की कार्रवाई करके और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जी, जिले में ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों की जो कमी है उसको दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की लहर की बात करी जा रही है, कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है, तो उसके लिए अस्पताल ज्यादा होना जरूरी है, अच्छे डॉक्टर होना जरूरी है, उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? अस्पताल के लिए जितने भी जो डॉक्टर्स हैं हमारे, उन डॉक्टरों का वैसे तो हमारे फरुखाबाद में जो जिस प्रकार के जो डॉक्टर्स रहे हैं उनकी सेवाएं बहुत अच्छी रही हैं। अभी हमने कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनको सम्मानित भी किया था। तो डॉक्टर ऐसे भी डॉक्टर थे जो अपने घर में किसी भी प्रकार की समस्या होते हुए भी उन्होंने पूरी सेवा की है, और उन डॉक्टरों के अलावा जो बेड हैं और बेड के अलावा ऑक्सीजन प्लांट हमारे जो लोहिया अस्पताल है उन सब जगह लगा दिया गया है, जिससे कि भविष्य में अगर कोरोना की जैसी महामारी आती है तो उसका निस्तारण बहुत आसानी से हो सकता है। आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं, आईसीयू के अलावा अभी हमने भी अपने स्तर से भी एक फरुखाबाद में अस्पताल बना रहे, इसी कोरोना काल को देखते हुए हमने अस्पताल बनाया जो 100 बेड का लगभग हम बना रहे हैं। उसका उद्देश्य भी होगा गरीब लोगों को कम से कम पैसे में उनका इलाज हो। जी, जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर की बात करी जा रही है, ओमिक्रोन का खतरा है और दूसरी तरफ देश में चुनाव भी है, तो चुनाव और साथ में कोरोना, इन दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे, कौन कौन से सख्त नियम या फिर बनाए जाएंगे जिससे कोरोना के टाइम पे चुनाव भी हो सके, रैलियां भी आप लगातार कर रहे हैं, तो क्या कुछ सावधानी बरतेंगे? भाई, 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क जरूरी है, हाथों का आपने सैनिटाइज करना जरूरी है, सैनिटाइजर करें इस तरह से। भीड़ देखने को मिल रही है, जनसभाओं में भी भीड़ उमड़ रही है और उनमें जो है मास्क की कमी देखने को मिलती है, कोई भी मास्क लगाए हुए नहीं दिखता है। नहीं, ये बिल्कुल सच बात है, हमारे लोगों की तरफ से अभी जैसे हम भी आपसे बात करें तो हमारी जेब में पहले मास्क रखा हुआ था, हमसे कहा भैया निकालो तो निकाल लिया, हम लोग तो मास्क के लिए बराबर जागरूक कर रहे हैं और हमने ये प्रयास किया, अभी हम गांव में जो अभी जा रहे हैं उनमें हम लोगों को मास्क वितरण भी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अब दोबारा से तीसरी लहर आ रही है, इससे पहले आप लोग कोरोना के लिए तैयार हो जाइए, किसी भी प्रकार की अगर कोरोना की महामारी ज्यादा तेज होती है तो उसका और अच्छी तरह से पालन किया जाएगा। जी, तो जिस तरह से चुनाव की ओर ध्यान दिया जा रहा है, लोगों तक सारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, लेकिन वो तब भी कुछ ऐसे वर्ग होते हैं, निम्न वर्ग होते हैं, जिन तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, भ्रष्टाचार बीच में आता है, तो इसका समाधान कैसे निकालेंगे? ये जन विश्वास यात्रा का उद्देश्य यही है। ये जन कल्याणकारी योजनाएं जो है जनता तक किस तरह से पहुंचाई जाए, जब हम जनता के बीच जाएंगे, जनता को हम बताएं कि आपके लिए भारत सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ ये योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे अभी राशन वितरण हुआ, राशन वितरण में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने राशन वितरण कराया, मार्च तक सभी को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, 15 करोड़ राशन धारक है उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा स्टेट होते हुए भी जिस व्यवस्था के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको कोरोना काल में कंट्रोल किया था, उसके बाद आज सबको उनके खाते में पैसा भी जा रहा है और राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है, राशन के साथ खाद्य तेल, नमक, दाल ये भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे भविष्य में अगर किसी प्रकार का कोरोना कुछ आता तो उनके सामने खाने की कोई समस्या न, हर गरीब के थाली में अन्न हो, हर गरीब की थाली में भोजन हो, ये सारा सरकार की व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था है। चुनावी माहौल है और ऐसे में आरोप भी लग रहे हैं और जिस तरह से बयानबाजी चल रही है और जिस तरह से आईटी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है प्रदेश में कुछ राजनेताओं पर, तो क्या कहेंगे इसमें? विपक्ष का कहना है कि सरकार करवाए ये सब, जो गलत कार्य करेगा उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, एजेंसी है, आप एक बात कहिए, जब यहां से जीएसटी के बिना बिल के आप माल भेज रहे हैं और माल भेजने के साथ साथ उसमें जब आपका ट्रक पकड़ा जा रहा है तो आप उसका किसी तरह पेमेंट कर दे फिर भेज रहे हो, कंटिन्यू चल रहा था, ये तो एक
एजेंसी ने उसको कई महीने जब सर्च किया कि कौन आदमी ऐसा काम कर रहा है, तब जाके पकड़े। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, 280 करोड़ लगभग लोग कह रहे पैसा प्राप्त भी हुआ है। इतनी बड़ी धनराशि शायद इसके पहले कभी नहीं, दीवारों में पैसा मिल रहा है, फर्श में पैसा मिल रहा है, सोने के बिस्कुट मिल रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ये एक ब्लैक मनी जो इकट्ठी की गई है उस पर अगर एजेंसी अपना कार्य कर रही, तो ये व्यक्ति विशेष के लिए खिलाफ कार नहीं है, ये पार्टी विशेष के खिलाफ कार नहीं है, ये एक न्याय की है, सुशासन सरकार है। इसमें गलत करेगा तो गलत उसको सजा मिलेगी मिलेगी। जी बिल्कुल, अपनी योजनाओं को आप जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चैनल माध्यम ये संदेश देता है कि अपना हर व्यक्ति को ये चाहिए कि देश के राष्ट्र के सम्मान के लिए अगर कोई पार्टी कर रही है तो अपना एक एक वोट मोदी जी और योगी जी को दें। अगर आप मोदी जी को मजबूत करेंगे, योगी जी को मजबूत करें, तो देश मजबूत होगा, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। सोने की चिड़िया 1000 के पूर्व आप देखते थे, इसके पहले जो मुगल आए तो आए इसीलिए थे कि भारत सोने की चिड़िया थी। भारत में कुछ इतिहास भी इतिहासकारों ने 1947 के बाद, चूंकि आजादी के बाद जो इतिहास लिखा गया जी, वो काफी कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा से की वजह से सही नहीं बताया गया, क्योंकि अकबर को महान बता दिया गया लेकिन हमारे महाराणा प्रताप को महान नहीं बताया, लक्ष्मी बाई को महान नहीं बताया गया। तो इस तरह की चीजें उनमें भी सुधार होना चाहिए, और देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि मोदी योगी का आना, डबल इंजन सरकार आना। मोदी जी जो भगवान राम के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, योगी जो भगवान हनुमान के पद चिन्हों पर, तो हनुमान राम की जोड़ी के आधार पर मान सकते हैं, तो उनके साथ हम सबको उनको विश्वास देना, तभी जाके हमारा विश्व में फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा, फिर से भारत सोने की चिड़िया बनेगा। 1000 के पूर्व मैडम कह रहे थे कि विश्व की जीडीपी भारत की हुआ करती थी, तो उस समय जबकि राजाओं का योग था, छोटे छोटे राज्य छोटे छोटे टुकड़े थे, लेकिन उस सब के बाद भारत विश्व में सर्वाधिक संपन्न देश था। तो उसके पीछे ये था कि हमारे लोगों के नेताओं की, हमारे जो राजा थे राजाओं की नीतियां भी बहुत अच्छी थी। जब आजादी से आज तक आप इसके पहले देखें कि जो इस पीरियड से कालखंड है, मुगल काल है, और उसको गलत काल जो बता दिया, स्वर्णिम काल भी लोगों ने कह दिया मुगल काल को, उस समय तो आप ये देखिए कि हमारे जो लोग थे जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जितेंद्र सिंह जी जुड़े थे, जो कि आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक है। उन्होंने अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताया कि किस तरह से वो अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी जन विश्वास यात्रा है उसके द्वारा जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही आने वाले चुनावों की तैयारी अभी जोरों शोरों से चल रही है, जनता के लिए काम किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, और इन्हीं सब चीजों पे हमने आज चर्चा की। प्राइम चर्चा में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।